क्लाइंट्स को, हमारे मेंबर्स को हम इंस्टॉलमेंट के ऊपर उनकी प्रॉपर्टी का कब्जा दें। जो थर्ड फ्लोर से लेकर सिक्स फ्लोर तक अपार्टमेंट्स हैं, जिसमें स्टूडियो अपार्टमेंट, वन बेड अपार्टमेंट और टू बेड अपार्टमेंट्स हैं, और इसके रूफटॉप गार्डन है। आप इस टाइम देख सकते हैं किंग टावर के सामने जो बच्चों के लिए बहुत ही खूबसूरत पार्क बनाया गया है। इसमें बहुत सारे झूले लगाए गए हैं। मैं तो अभी से इंजॉय कर रही हूँ। मेरा नहीं ख्याल लाहौर में इतनी सारी सहूलियात आपको कहीं और भी मिल रही। जहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सहूलत 24 घंटे मौजूद है, किंग टावर में महदूद तादाद में 2 साल की आसान इंस्टॉलमेंट पर अल हादी अपने मौजूद क्लाइंट को पेश करते हैं खूबसूरत अपार्टमेंट, फूड कोर्ट, ऑफिस, रूफ टॉप, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत गार्डन बना हुआ। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान सलाम। आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। लाहौर की मारूफ शहरा रायवंड रोड के बेहतरीन लोकेशन पर रिंग रोड से 5 मिनट की दूरी, सुपीरियर यूनिवर्सिटी से 2 मिनट की दूरी, लाहौर कैंसर हॉस्पिटल के बिल्कुल करीब अल हादी एसोसिएट का सेकंड प्रोजेक्ट किंग टावर, जो मेरे पीछे आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, आज मैं इस लोकेशन पर मौजूद। जिस टाइम आप मेरे पीछे देख सकते हैं किंग्स टावर, जो अल हादी एसोसिएट वालों का सेकंड प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आने के लिए आपको 24 घंटे ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुहैया रहेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लैट, उसके बाद यहाँ पे ऑफिस है, उसके बाद यहाँ पे फूड कोर्ट है, जिम बनाया गया, रूफ टॉप गार्डन बनाया गया। ये सिर्फ और सिर्फ 2 साल की आसान इंस्टॉलमेंट पर आपको मिल रहा है। अगर आप पहले 50% इनको जमा करवाते हैं तो आपको फौरन ही कब्जा मिल जाएगा। तो देर किस बात की, अभी अपना फोन उठाएं और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें और अपनी बुकिंग करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। मैं हूं अल हादी एसोसिएट्स का ब्रांच मैनेजर हूं। मेरा नाम मोहम्मद यासर शेख है। अच्छा, जो भी किंग्स टावर है जी, ये बेसिकली है क्या? ये अल हादी एसोसिएट्स का दूसरा प्रोजेक्ट है किंग्स टावर के नाम पे, जो कि अल कबीर टाउन के फेज 3 किंग्स टाउन में मौजूद है। और इसमें हमने कमर्शियल आउटलेट्स और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स ऑफर किए हैं अपने क्लाइंट्स को। ठीक, इसमें अपार्टमेंट्स हैं, फूड कोर्ट है, ऑफिस है, सब कुछ है जी। वो तो अम्यूनिटीज में आ जाते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें अगर हम जाते हैं लोअर ग्राउंड फ्लोर पे हेल्थ फिटनेस क्लब है, ग्राउंड फ्लोर पे इस पे हमारे कमर्शियल शोरूम है, फर्स्ट फ्लोर पे कमर्शियल शोरूम है, और सेकेंड फ्लोर पे एक किड्स प्लेलैंड एरिया है बच्चों के लिए, और एक फूड कोर्ट डेडिकेट किया गया है। और उसके बाद थर्ड फ्लोर से लेके सिक्स फ्लोर तक अपार्टमेंट्स हैं, जिसमें स्टूडियो अपार्टमेंट, वन बेड अपार्टमेंट और टू बेड अपार्टमेंट्स हैं, और इसके रूफटॉप गार्डन है। अच्छा, सिर्फ वन बेड और टू बेड ही? नहीं, स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी है। स्टूडियो अपार्टमेंट्स। अच्छा, मैंने देखा किंग्स टावर के बिल्कुल सामने ग्राउंड भी है जी। वो है पार्क है, जो कि ये ऑलमोस्ट हमारा किंग्स टावर फेसिंग पार्क भी आता है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए और ओवरसीज के लिए क्या ऑफर है? मिस, यहाँ पे ऑफर की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो चेयरमैन है अल हादी एसोसिएट्स के, चौधरी काशिफ शहजाद साहब, उनका एक विजन है, जैसा कि चौधरी औरंगजेब साहब का विजन है अल कबीर टाउन के चेयरमैन, उसी विजन को लेकर काशिफ साहब चल रहे हैं कि क्लाइंट्स को, हमारे मेंबर्स को हम इंस्टॉलमेंट के ऊपर उनकी प्रॉपर्टी का कब्जा दें, जैसे कि अल कबीर टाउन दे रहा है बिल्कुल। अच्छा। उसी तरह हमने, हमारा एक प्रोजेक्ट है बैरिया टाउन में आईफल हाइट्स के नाम पे, जो फेसिंग आईफल टावर है, काशिफ साहब ने उसको 4 साल के इंस्टॉलमेंट्स पे लॉन्च किया गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में उसको कब्जा अनाउंस कर दिया गया, और बकाया की जो इकसाद है क्लाइंट ने अपनी प्रॉपर्टी को यूज करके और बाद में अदा करनी है। यहाँ पे भी कुछ ऐसे चांसेस? यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह काशिफ साहब ने उसी ऑफर को लेकर आ रहे हैं यहाँ पर किंग्स टाउन में। ये 4 साल के इंस्टॉलमेंट्स पे हमने इसको लॉन्च किया है 2 साल पहले आज से, और अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने तब बुकिंग करवाई थी वो आज अपनी विद इन 6 मंथ में अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन हमसे हासिल करने जा रहे हैं, और बकाया की 1.5 साल की किस्तें उन्होंने बाद में अदा करनी है अपनी प्रॉपर्टी को यूज करके। अच्छा, अभी इस टाइम आपके पास कौन सी ऑफर अवेलेबल है? मिस, अभी जो हमारे मेंबर्स इसमें इन्वेस्टमेंट करने से रह गए थे उनके लिए यही ऑफर मौजूद है कि पहले ना हमने जो लॉन्च किया था उसमें 70% सोल्ड किया था, और 30% इन्वेंटरी अपने पास हमने सेव कर ली थी, क्योंकि एक अच्छे डेवलपर की यही निशानी होती है कि वो कल को एक्सेस लैंड हो जाती है, लेस लैंड हो जाती है जब बिल्डिंग की कटिंग हो रही होती है, तो ऐसा कोई मसला ना हो हमारे किसी मेंबर्स की प्रॉपर्टी लेस लैंड में ना आ जाए। तो अच्छे डेवलपर की यही निशानी होती है 30% इन्वेंट्री अपने पास सेव कर लेते हैं, कल को जब कोई ये कंप्लीट हो तो वो बाद में सोल्ड आउट कर लेंगे हम, किसी की लेस लैंड ना हो जाए इसलिए। तो अब उसमें हमारे पास इस टाइम 30% इन्वेंट्री मौजूद है, उसमें हम ये ऑफर दे रहे हैं कि इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके उनके लिए, और जो पाकिस्तानी उनके लिए
कि आज अपनी बुकिंग को कंफर्म करें, 50% डाउन पेमेंट अदा करें अपनी प्रॉपर्टी की मालियत की, और बकाया की जो अमाउंट है वो 1.5 साल की किस्तों में अदा करें और अगले 6 महीने में अपनी प्रॉपर्टी का कब्जा ले लें। 50% देगी, 6 माह में कब्जा मिल जाएगा। और आप चाहें तो इसको रेंट आउट कर दे, रेंट हासिल करके अपनी किस्त अदा करें और अपनी प्रॉपर्टी के मालिक बने, चाहे खुद यूज करें। ये हमारे क्लाइंट्स के लिए ऑफर है। मैंने हादी सोसाइटी में पहले वीडियो की थी, वहाँ बहुत कुछ ऐसा था जो पहली बार हो रहा था जी। यहाँ पे ऐसा क्या है जो पहली बार हो रहा है? यहाँ पे आपको एक मैं बता दूं, आपको पहले मैंने बताया छत पे हमने रूफटॉप गार्डन दिया है, लेकिन रूफटॉप गार्डन का हमारा ये मकसद नहीं उस पे हमने कमाई करनी है या उस पे हमने पैसा कमाना है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो इस प्लाजे के मेंबर होंगे, इस हाइट्स के मेंबर होंगे, वो रूफटॉप गार्डन पे सिर्फ उन्हीं के लिए है, और वो जो फूड कोर्ट है वो भी सिर्फ उन्हीं के लिए जो प्लाजे के मेंबर होंगे। कोई नॉन मेंबर इसको इंटरटेन नहीं कर सकेगा, वो इसको यूज नहीं कर सकेगा। जो हमारी कंपनी के मेंबर्स होंगे, जो यहाँ पे रेजिडेंशियल होंगे, वो सिर्फ ये फूड कोर्ट और रूफटॉप गार्डन उन्हीं के लिए होगा और उन्हीं के गेस्ट आएंगे और वो फुली प्राइवेसी उनको मिलेगी। अच्छा, मुझे बताइए यहाँ पे सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है? अल्हम्दुलिल्लाह, अलकबीर टाउन खुद सिक्योरिटी के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। अलकबीर टाउन बाउंड्री वॉल कम्युनिटी है जिसमें गेटेड कम्युनिटी है, और उसके अलावा अगर आप किंग्स टावर में आ जाते हैं, किंग्स टावर में हमारे सीसीटीवी कैमरा सिक्योरिटी और गार्ड्स की भी सिक्योरिटी होगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, जो बात मैंने आपको पहले नहीं बताई, हमारे यहाँ पे 24/7 इलेक्ट्रिसिटी बैकअप होगा और जनरेटर की सहूलत मौजूद होगी। किसी टाइम यहाँ पे लाइट नहीं जाएगी, कोई एलिवेटर बंद नहीं होगा। और इसके साथ साथ जो हमारे अपार्टमेंट्स के रेजिडेंशियल जो हमारे मेंबर होंगे उनको हाउसकीपिंग की सहूलत मौजूद मिलेगी और किसी किस्म की कभी कोई कंप्लेन नहीं होगी। और ये भी सब कुछ पहली बार हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अलहादी एसोसिएट्स का यही है कि जो काम करें पहली बार करें। और लाहौर में अगर आप देखें तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो इतनी यूनिटीज दे रही होंगे। अपनी लोकेशन बता दें आप। मिस, हमारी लोकेशन ड्राइवर रोड की प्राइम लोकेशन है, जो किसी तारुफ की मुताज नहीं है, जो कि हम नेक्स्ट टू बहरिया ऑर्चर्ड, जो अलकबीर टाउन फेज 3 किंग्स टाउन में मौजूद हैं। जी तो नाजरीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ किंग्स टावर के अंदर। यहाँ पे दिखाते हैं जो फिनिशिंग वर्क हो रहा है वो भी आपको दिखाएंगे, और यहाँ के जो ऑनर है वो जेरे निगरान यहाँ पे सारा काम करवा रहे, तो उनसे भी मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? क्या हाल है आपने? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप बताएं। अच्छा सर, आप मुझे बताएं कि बाहर से तो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम होता हुआ नजर आ रहा है, अंदर बताएं अंदर क्या क्या चीज है? अंदर भी आपको बहुत खूबसूरत नजर आएगा, बस थोड़ा सा टाइम है। जैसे कि आप कैमरामैन दिखाए, तो हम इन अपार्टमेंट की फिनिशिंग कर रहे हैं, तो जो कि इंशाल्लाह अगले महीने 1.5 के अंदर अंदर ये सारा फिनिशिंग वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसमें आप देखेंगे, अगर आपका कैमरामैन दिखाए तो इसका टाइल वर्क कैसा है, इसका हमने इवन के दीवारों के ऊपर जो हमने कलर स्कीम बनाई है वो कैसी बनाई है, ये एक सब स्टेट ऑफ द आर्ट होगा। ये इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे हमारे पास एक्सीडेंटल, तो हम आपको जरूर विजिट करवाएंगे। तो ये अच्छा हमारा वन बेड है, वन बेड में आपको थोड़ा सा बता दूं, ये उसका टीवी लॉन्च है, ये उसका किचन बन रहा है, किचन बन रहा है, और किचन के साथ ये फ्रिज का एरिया है, और ये पोर्शन जहाँ पे आपने देखा एसी का पाइप है, तो ये एसी लगने वाली जगह है, और ये हमारी मीडिया वॉल है। इसी तरह आप आए हम आपको अंदर लेके चलते हैं। ये हमारा बेडरूम है, बेडरूम में भी इसी तरह स्टेट ऑफ द आर्ट चीजें हैं। यहाँ हमारी मीडिया वॉल बनेगी, ये जो पोर्शन है ये हमारा मीडिया वॉल है, और इसके अलावा ये बेडरूम की बैक साइड होगी, अटैच बाथ है, अटैच वॉशरूम है आपका। कैमरामैन को मैं कहूंगा कि वॉशरूम दिखाएंगे आपको, बड़ा सरप्राइजिंग न्यूज होगी। तो यहाँ पे हमारा वो कुछ फिनिशिंग का कंसोल वगैरह आएगा, और ये स्टेट ऑफ द आर्ट। अच्छा, बाकी प्रोजेक्ट्स की तरह ये भी कि आप 4 साल का कह के 1.5 साल या 2 साल में कंप्लीट कर रहे हैं? ये भी इसी तरह ही है। आपको मैं बता दूं कि ये अभी हम 50% पेमेंट पे इसका पोजेशन देने जा रहे हैं, और 50% अगले आप 1.5 साल के अंदर घर में रह के देंगे। ये हमारा 3 साल का प्रोजेक्ट है, 3 साल, तो 1.5 साल में हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं ऑलमोस्ट 19-20 मंथ में, और बाकी की जो अमाउंट है वो आप अपनी प्रॉपर्टी के अंदर रह के पोजेशन देंगे। तो ये अलहादी एसोसिएट्स का अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पहली बार, ये कम ही होता है, ये बड़े काम है। और मेरा नहीं ख्याल की इतनी सहूलियात आपको लाहौर में कहीं और मिल रही है? नहीं, देखिए अब यहाँ अभी हम प्रॉपर हेल्थ क्लब बना रहे हैं, और इसके अलावा कमर्शियल जोन है, आपने देखा मेन ड्राइव रोड है, ये मेन ड्राइव रोड की 24 आवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये साथ हमारी यूनिवर्सिटी एसपीडियर है, कैंसर केयर हॉस्पिटल है, सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है। तो ये हमारा इंशाल्लाह ताला एक स्टेट ऑफ द आर्ट होटल अपार्टमेंट टाइप होंगे, हम उसको नाम तो नहीं दे सकते, सर्विस अपार्टमेंट का नाम दे देंगे। तो ये सर्विस अपार्टमेंट हम तैयार कर रहे हैं। ठीक हो गया।